हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो भाई, यू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर लोग। तो भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रोज़ नई गाड़ियाँ लेकर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो भाई, आज देख ले मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ। तो ये है भाई टोयोटा करोला 2005 मॉडल GLI। तो भाई, ये इसका इंटीरियर आप लोग पहले चेक कर ले। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आला गाड़ी है। ठीक हो गया भाई, ये इसका डैशबोर्ड, ये इसके डोर्स, सब कुछ वगैरह भाई इसका परफेक्ट, माशाल्लाह बिल्कुल A1। तो भाई, ये गाड़ी आज हमने ली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी वीडियो जो है ना वो शेयर कर लूँ। तो भाई, ये इसकी बाहर की लुक, ये भाई इसका फ्रंट लुक, इस्लामाबाद का नंबर है 169। तो देखिए भाई, गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त A1। पीछे से भी मैं आप लोगों को लुक चेक करा लेता हूँ। ये देखिए भाई, पीछे से GLI। अच्छा भाई, अब इस गाड़ी की खूबियाँ जो है ना वो ये है कि भाई, इसके सिर्फ GLI और XLI में ये फ़र्क होता है कि इसके जो है ना ये मिरर जो है ना ये 8 होते हैं। ठीक हो गया। और एक सिलाई के जो है था वो होते हैं वो मैनुअल होते हैं। ठीक हो गया भाई। इंजन की सीसी जो है ना इसकी सेम आती है 1300 सीसी में। एसी वगैरह सब कुछ इसका परफेक्ट ओके, लेकिन सिर्फ GLI और XLI में ये फ़र्क होता है कि उसके मिरर जो है ना वो मैनुअल होते हैं और GLI के ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें ABS ब्रेक्स वगैरह ये सब दोनों गाड़ियों में सेम होती है। अब ये देख ले भाई, ये इसके रूम कंट्रोलर जो है ना, इसके मिरर्स के कंट्रोल होते हैं। ये साइड्स मिरर भी जो है ना यहाँ से कंट्रोल होते हैं। CNG इसके इसमें नहीं है, लेकिन इसके CNG बटन इसमें लगा हुआ है। ये भी मैं उतरवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ये भाई एंड्रॉयड पैनल भी नहीं है भाई। लोग जो है ना जब गाड़ियाँ सेल करते हैं तो वो इससे सारी चीज़ें निकाल कर जो है ना वो सेल करते हैं। इसमें यहाँ तक कि इसका पेट्रोल भी ख़त्म करके फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने गाड़ी सेल करनी है। ठीक हो गया भाई। ये मैं भी आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखे भाई अभी भी ये रिजर्व में है। तो भाई, गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट। ठीक हो गया। और माशाल्लाह इसकी ड्राइव जो है ना वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है। ठीक हो गया भाई। ये GLI 2005 मॉडल इस्लामाबाद का नंबर है। अच्छा भाइयों, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इसका इंजन भी शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए भाई, इसकी अंदर इंजन की कंडीशन, ये देखिए भाई, इसमें CNG किट वगैरह कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है ना इसका बटन इन लोगों ने छोड़ रखा है, लेकिन ये भी मैं उतरवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। और साथ साथ में आप लोगों को इसकी डिग्गी भी दिखाना चाहता हूँ। ये हाल है भाई गाड़ी का। इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये इसके कारपेट शारपेट वगैरह ये सब जो है ना साफ करके दोबारा अपनी अपनी जगह पर लगवा लेंगे। तो ये देखिए, ये कंडीशन है भाई। ये कोई रिम टायर्स भी नहीं लगे। टायर इसके अच्छे हैं, न्यू है, लेकिन रिम वगैरह कुछ भी नहीं है। ना ही कोई भाई HID लाइट्स, ना कोई LED लाइट्स, ना फॉग लाइट्स, कुछ भी नहीं है भाई। बस ऐसी गाड़ी लेकर कहते हैं कि भाई हमने सेल करनी है, लेकिन रेट अच्छा हो तो हम लोग ले भी लेते, कोई मसला नहीं है। हाँ तो भाई, ये रहा टोयोटा वेड्स। ये 8 मॉडल है, 12 रजिस्टर है, लाहौर का नंबर। लेकिन ये इस गाड़ी की शेप जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी हद जो है ना वो ब्यूटीफुल है, प्यारी है, अच्छी है। अंदर डैशबोर्ड भी भाई इसका सारा ब्लैक, इसका कलर भी सारा ब्लैक। ये फिर भी जो है ना एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है, ऑटो गियर भी है, सब कुछ जो है ना भाई इसका परफेक्ट माशाल्लाह ओके। पोग लाइट्स भी है, HID LED लाइट्स भी है। तो भाइयों, ये भी मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसका स्पीड मीटर जो है ना वो इन लोगों ने फ्रंट में ला रखा है, तो फिर भी ठीक है।
ये आ गया रिवर्स गियर। ये धूप में कड़ी है तो मैं थोड़ा साए पे करके आप लोगों को वीडियो बना के देता हूँ। तो ये आ गया भाई, इसी गाड़ी के पीछे मैं लगवा लेता हूँ। ये हो गया, अच्छा भाई अब टोयोटा वेड्स जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार लिया है, पहली बार जो है ना इसको ड्राइव किया है, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा भाई। ये यहाँ पर बैठकर जो है ना आपको जो है ना इसका बोनट नहीं दिखेगा, ठीक है, छोटी गाड़ी है लेकिन अंदर से जो है ना इसमें काफ़ी स्पेस है। और इसमें दो दो डिशबोर्ड, ये देख लें ये डिशबोर्ड्स, इसके ओरिजिनल नंबर प्लेट्स, SRS के जो है ना एयर बैग्स, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह पर जो है ना, यहाँ पर भी मेरे ख्याल में 4 ही है इसमें, ठीक हो गया भाई। इसके अलावा ये सब कुछ इसका ये लाइट्स वगैरह इसमें नहीं आती, मिरर भी जो है ना इसके रिपोर्टेबल है, ये देख ले आप। ये भाई ठीक हो गया, ऑटो मिरर्स, ये भी ऑटोमेटिक बिल्कुल स्पीड के साथ, ठीक हो गया भाई। इसके अलावा ये साइड सब कुछ इसका माशाल्लाह बिल्कुल ओके, ठीक हो गया भाई। अब मैं आप लोगों को बाहर से इसकी लुक दिखाना चाहता हूँ, ये कीज़ वगैरह मैं उठा दूँ, बाहर से भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाड़ी जो है ना वो काफ़ी हद तक जेन्युइन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखते हैं, ये लाइट्स वगैरह जो है ना इसके गंदे हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं, इतनी टेंशन की बात नहीं, ये भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। ये पीछे से भी इसकी लुक चेक कर ले, ये वेपर जो है ना इस यहाँ पर किसी ने उतारा हुआ है, यहाँ पर भी इसका वेपर आता है, ठीक है। तो साथ साथ मैं आप लोगों को डिग्गी भी दिखाना चाहता हूँ भाई, ये जेन्युइन पेट्रोल में आती है, CNG वगैरह इन गाड़ियों में अच्छे से काम नहीं करती। ये हो गया बस, तो ये दोनों गाड़ियाँ है भाई। अच्छा भाई इसके अलावा हमारे पास एक और भी गाड़ी है टोयोटा वेड्स में, जो भी वो भी हम लोगों ने पहली बार ही ली है, लेकिन वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है, उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो काइंडली भाई हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज जो है ना वो अपने साथ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इंशाल्लाह आपका भाई आपके लिए दिन ब दिन जो है ना वो नई वीडियो जो है ना वो लाता रहेगा। सो भाई अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए कार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।